नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस। अगर आपने इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस में फॉर्म फिल किया है तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका रिजल्ट कब आएगा और आप लोगों का एक और सवाल आता है कि कितने परसेंट वाले स्टूडेंट का चयन होगा। काफी लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, 3-3 मिलियन वाले चैनल बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट आ गया, कैसे चेक करना है, मैसेज आना शुरू। तो दोस्तों ऐसी अफवाह में बिल्कुल भी नहीं आना, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अपडेट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिजल्ट हो सकता है इसका इसी महीने के सेकंड वीक में आए, हो सकता है थर्ड वीक में आए, लेकिन दोस्तों आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा धैर्य रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं, काफी लोग यहाँ पर डाल रहे हैं वीडियो की रिजल्ट कैसे चेक करें। जब दोस्तों रिजल्ट आया ही नहीं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट? क्या आप पहले वाला चेक करेंगे? जब इसका रिजल्ट आएगा आ जाएगा तब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफी लोग यहाँ पर कह रहे हैं 50-60-65-70% वाले यहाँ पर सेफ हैं। कितने परसेंट वाले सेफ हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें, फर्स्ट लिस्ट का पिछली बार कट आप देखोगे ना तो 95+ चला गया था। तो दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में 50 का भी नहीं आएगा, 60%, 65% और 70% वालों का यहाँ पर नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपकी 75% है तो दोस्तों इसकी 6-7 लिस्टें जारी होंगी, सभी लिस्टें आपको चेक करनी है। अगर दोस्तों आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको सारी लिस्टें चेक करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों इस बार कटअप कितना जाएगा वो बताते हैं। दोस्तों फर्स्ट लिस्ट का कटअप अगर आपके 95+ हैं तभी आप उम्मीद करिए यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट लिस्ट का बहुत हाई कटअप जाता है। ये कटअप उन लोगों का होता है जिनके यहाँ पर 95+ होते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्जीवाड़ा से भर देते हैं, जैसे कि उनके नंबर कम है तो वो फर्जी तरीके से यहाँ पर डाल देते हैं, तो उन लोगों का यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है। और जब आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 10 की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर है तो नहीं है तो बनवा लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तभी आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाइए, अगर जनरल से हैं तो जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। और यहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, ये आप ऑनलाइन मोबाइल फोन से ही बना सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटो बनवा के रख लेने हैं, ये दोस्तों आपको डीवी के लिए तैयार करके रख लेने हैं अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है तो। अगर दोस्तों अब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।